The Lull and Top Show is brought to you by My Store App. Her store online. कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है My Store App। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। My Store अब हर स्टोर ऑनलाइन। पहली सुर्खी बेंगलुरु से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की नई प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। इस पर भारतीय वायुसेना के लिए LCA तेजस और उसके उन्नत संस्करण बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है। कोविड महामारी के बावजूद HAL को 48,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऐतिहासिक डील है जो इंडियन एरोस्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। और तेजस का यह जो नया प्लांट है देश के सामने इंडिजनाइजेशन की तो अपने में एक विशाल है, एक यह उदाहरण तो है ही। साथ ही कोविड महामारी के संकट को भी हमने एक अवसर में बदल दिया है, यानी कोविड पैंडेमिक की क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने का काम हम लोगों ने किया है और उसमें हम सबको कामयाबी हासिल हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि नए तेजस प्लांट के कारण एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज इससे जनरेट होंगी, ये बट नेचुरल है। बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है। HAL को लेकर यह शिकायत खूब की जाती है कि कंपनी विमानों की डिलीवरी में बहुत समय लगाती है। नई प्रोडक्शन लाइन को लेकर उम्मीद की जा रही है कि अब विमान वायुसेना की जरूरत के मुताबिक रफ्तार से बनेंगे। दूसरी सुर्खी पंजाब से। जलालाबाद में अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हमला हुआ। सुखबीर बादल निकाय चुनाव के दौरान नामांकन में शामिल होने पहुंचे थे। जैसे ही उनका काफिला नामांकन स्थल पर पहुंचा हंगामा शुरू हो गया, भगदड़ हुई और फिर पत्थरबाजी। सुखबीर की गाड़ी पर भी पथराव हुआ। फिर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई जिसमें 2 लोग घायल हुए। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। अकाली दल का आरोप है कि मारपीट में शामिल दूसरा दल कांग्रेस का था। अकाली से हमला बता रहे हैं, कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है कि अकाली उम्मीदवार नामांकन न कर पाए। और कांग्रेस के नेता वो इल्जाम लगा रहे हैं कि अकाली दल के लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला किया। एक दिन पहले ही जलालाबाद में नामांकन के दौरान कांग्रेस और आप के कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़प हुई थी। एक अपडेट और है पंजाब से। आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और MSP पर कानून बनाने का रेजोल्यूशन पास हुआ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में धरना दे रहे किसानों की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस को तैनात करने की मांग करते हुए इस बैठक से वॉकआउट भी किया और BJP बैठक में शामिल नहीं हुई। हालांकि कैप्टन अमरिंदर पहले ही अरविंद केजरीवाल को बता चुके हैं कैसी मांग करते हो, नियम कानून इसके उलट हैं, 72 घंटे ही किसी दूसरे राज्य में पुलिस रह सकती है, तो क्या हम कानून के उलट पंजाब पुलिस भेज दें। आखिरी सुर्खी संसद से है। आज राज्यसभा में विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कृषि कानूनों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, अब जरूरत नहीं, अगर आप चाहें तो आपके सामने चर्चा का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। सभापति ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन पर आज नहीं कल चर्चा होगी, क्योंकि परंपरा के हिसाब से पहले चर्चा लोकसभा में शुरू होगी। और इस पर विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे और सदन से बाहर चले गए। बाद में शून्यकाल के दौरान विपक्षी सांसद दोबारा सदन में आए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद 10:30 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो फिर से नारेबाजी हुई, जिसके बाद 11:30 और फिर 12:30 और फिर अगले दिन के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी किसानों के मुद्दे पर हंगामा हुआ, जिसके बाद 4 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नियम बनाने के लिए समय बढ़ा दिया है। पहले 9 अप्रैल तक नियम बनाने थे, अब 9 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। हमारे और आपके माननीय सांसद अशोक की लाट के नीचे गणतंत्र की शपथ लेने वाले सांसद, ये सांसद उस सर्वोच्च सदन में बहस करें, ये जरूरी है। ये बहस नहीं हो रही है, इसके लिए सत्ता पक्ष जिम्मेदार है, प्रतिपक्ष जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये हमारे और आपके हित की बात है। घुटना
कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।